चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर. तो सबसे पहले देखते हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था मैटर क्या होता है. एक छोटा सा रिकैप करा देती हूँ. मैटर वो चीज होती है जिसमें उसका अपना मास हो, उसके अपना वॉल्यूम हो, उसका अपना डिफाइंड शेप हो, ठीक. तो उसको हम बोलते हैं मैटर. सो एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज नोन एज मैटर. अब आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि क्या जो मैटर आप देखते हो वो प्योर है या नहीं है. तो आप दिन भर में डेली चीजों में हम देखते हैं, हमारे पास नमक है, घी है और गरम मसाला है. आप घर में इतनी सारी चीजें देखते हैं, ये सब हर नॉर्मली क्या होता है, सब मैटर है, ठीक. सॉलिड्स है, लिक्विड्स है, गैसेस है, ये सब मैटर होता है. तो सवाल उठता है कि जो दिन भर में आप सारी चीजें देखते हैं या जो दिन भर में हम सारी चीजें कंज्यूम करते हैं, क्या ये प्योर है. तो प्योरिटी क्या है? तो हम प्योरिटी को अगर नॉर्मल टर्म से बोले तो जो एक लेमैन भाषा है, लेमैन भाषा में अगर हम बोले तो प्योर सब्सटेंस वो होता है जिसमें कोई एडल्ट्रेशन ना हो, मतलब जिसमें कोई मिलावट नहीं होती. लेकिन अगर हम एक साइंटिस्ट के टर्म से बात करें तो साइंटिस्ट कहते हैं प्योर सब्सटेंस इज दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस विच इज मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम. सो व्हेनेवर नाउ यू डिफाइन अ प्योर सब्सटेंस, you should every time keep in mind that pure substance is the one which is made of only one kind of atom. मतलब जो एक ही atom से बना है वो pure होगा, और जो एक से ज़्यादा atoms से बना होता है उसको हम फिर बोलते हैं impure substance. तो pure substance and impure substance ये दो type के matters होते हैं. तो broadly हम matter को classify कर सकते हैं as pure substance and impure substance. impure substance मतलब mixtures. तो प्योर सब्सटेंस को मैंने बोला जो सिर्फ एक ही काइंड के एटम से या एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से मिलकर बनेगा, वो हमारे लिए प्योर सब्सटेंस है. तो प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे? प्योर सब्सटेंसेस आर द सब्सटेंसेस दैट आर मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम. जैसे कि एक आयरन बार है, ठीक. आपने आयरन बार लिया, आपने उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखा, तो उसमें सब पार्टिकल सिर्फ आयरन के ही बने हुए थे. मतलब आयरन एक प्योर सब्सटेंस है. आप वाटर मॉलिक्यूल्स को जब देखते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स भी सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है. मतलब वो एक कंपाउंड है, मतलब वो भी एक प्योर सब्सटेंस है. तो एलिमेंट्स जितने भी हम पढ़ते हैं, जितने भी हम कंपाउंड्स पढ़ते हैं, वो किस कैटेगरी में आ जाते हैं? हमारे प्योर सब्सटेंस में आते हैं. अब एक सवाल उठता है, मुझे कैसे पता ये प्योर है? तो माइक्रोस्कोपिकली मैंने देखा कि उसमें एक ही टाइप का एटम है, इसीलिए वो प्योर है. लेकिन अगर जनरली अगर देखें कंपाउंड्स को तो कैसे पता चलेगा? जैसे सपोज मान लीजिए मुझे वाटर की प्यूरिटी को ही टेस्ट करना है, तो वाटर की प्यूरिटी को टेस्ट करने के लिए एक पैरामीटर होता है कि मैं उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट चेक करूं. तो सिलेक्शन ऑफ प्यूरिटी जो होती है बेसिकली किसके ऊपर डिपेंडेंट है? कि क्या उसका फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट है या उसका फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट है. सपोज मैंने वाटर मॉलिक्यूल लिया, मैंने उसका टेम्परेचर सेट किया, अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आता है, मतलब वो प्योर है, उसमें किसी भी टाइप का कोई एडल्ट्रेशन प्रेजेंट नहीं है. फिर मैंने उसको बॉईल करके देख लिया, अगर वो एग्जैक्टली 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉईल कर जाता है, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही है, तो फिर से हम उसे क्या बोलेंगे? इट इज प्योर. तो अगर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स आ रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं है, मतलब वो क्या है? इट इज अ प्योर सब्सटेंस. तो प्योरिटी को डिफाइन करने के लिए मैंने बोला एक क्राइटेरिया क्या हो गया कि वी हैव टू डिटरमाइन द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. इफ इट कम्स अकॉर्डिंग टू द पैरामीटर्स इट इज अ प्योर सब्सटेंस. कम है या ज्यादा है, मतलब फिक्स्ड नहीं है, मतलब वो प्योर सब्सटेंस नहीं है, उसमें किसी टाइप का एडल्ट्रेशन प्रेजेंट होगा, वो किस कैटेगरी में आ जाएगा? फिर इम्प्योर की कैटेगरी में आएगा. अब हम प्योर सब्सटेंस को फर्दर पढ़ते हैं कि इसको मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? दो में, एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में. अब एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो सिर्फ एक ही टाइप के एटम से मिलके बने हैं उन्हें हमने बोला एलिमेंट्स. इनको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, इनको आप फर्दर सेपरेट नहीं कर सकते इनके कॉम्पोनेंट्स में किसी भी मेथड से. तो एलिमेंट्स आर दो substances which are made of only one kind of atom, they cannot be broken down into simpler substances or simpler atoms. For example, iron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, इतने सारे elements हम पढ़ते हैं, 118 elements discover हो चुके हैं. ये सब किस category में आएंगे? Elements की category में. अब इनको भी हम further divide करते हैं कि properties के basis पे. कैसे?
metals, non-metals, metalloids. क्लास नाइन्थ में हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं और मेटलॉइड्स क्या होते हैं. मेटल्स जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है वो मेटल्स हैं, जो इलेक्ट्रो नेगेटिव है वो नॉन मेटल्स हैं, और जिनमें दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं वो मेटलॉइड्स होते हैं. मेटल्स में लस्टर होता है, नॉन मेटल्स नॉन लस्टरस होते हैं. मेटल्स सोनोरस है, नॉन मेटल्स नॉन सोनोरस है. मेटल्स जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट यूजुअली हाई होता है, नॉन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होता है. मेटल्स में टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, नॉन मेटल्स में वो टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रेजेंट नहीं होती. मेटल्स मेलिएबल होते हैं, नॉन मेटल्स मेलिएबल नहीं होते. मेटल्स डक्टाइल है, नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल है. तो ये जो कॉमन कैरेक्टर्स हैं आप कई सालों से पढ़ते आ रहे हैं, तो कभी आपसे कोई पूछता है डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो आप इजीली कर सकते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच का डिफरेंस. अभी तक के पोर्शन में आपको यहाँ पर वन मार्क की डेफिनेशन जरूर आती है एनसीईआरटी में कि व्हाट इज अ प्योर सब्सटेंस, तो आप इसको इजीली डिफाइन कर पाएंगे. तो प्योर सब्सटेंस क्या था, जो सिर्फ एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना है वो प्योर सब्सटेंस है. डिफरेंस करने के लिए आए मेटल्स और नॉन मेटल्स में, आई होप आप वो भी कर पाएंगे. बहुत सिंपल डिफरेंसेस हैं जो इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं. तो ये था अभी तक का एक पार्ट, व्हाट इज अ प्योर सब्सटेंस. क्राइटेरिया क्या बोला मैंने, इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है. फिर इनको डिफाइन कैसे किया, दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स. एलिमेंट्स को हमने पढ़ा कि सिर्फ एक ही टाइप के एटम से मिलकर बना होगा, और मेटल्स नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में इसको हमने डिवाइड किया. अब आते हैं इसी के सेकेंड पार्ट में जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड्स. कंपाउंड्स भी प्योर ही होते हैं. क्यों होते हैं, क्योंकि ये एक से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, बट दे आर कंपोज ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स. जैसे एलिमेंट्स जो थे वो एक ही टाइप के एटम से मिलकर बने थे, मॉलिक्यूल से अगर एक ही काइंड के मॉलिक्यूल से मिलकर बनेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे. अब जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें जो एलिमेंट्स हैं वो यूजुअली जो कंबाइन होते हैं उनका रेशियो फिक्स होता है. मतलब जैसे सपोज वाटर इज अ कंपाउंड, अब मैंने वाटर को कब बनाया तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स किया, ठीक. H2 and O2 gets combined together to form H2O. यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है that is always fixed. 1:8 का रेशियो होता है by mass, जो हर तरफ से कहीं से भी आप वाटर ऑब्टेन करेंगे तो उसका रेशियो हमेशा फिक्स्ड होगा. तो H2O is a compound because the elements combine together in a fixed ratio. But जो डिफरेंस था, एलिमेंट्स को आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते. कंपाउंड्स कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स बाय एनी इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड. फिजिकल मेथड से आप सेपरेट नहीं कर सकते, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से आप सेपरेट कर सकते हैं. तो कंपाउंड्स जो होता है उनकी जो कॉम्पोजिशन है वो हमेशा फिक्स होती है, वेरिएबल कॉम्पोजिशन नहीं होंगी. दूसरा, उनका जो रेशियो है वो हमेशा फिक्स होगा. तीसरा, आप उनको ब्रेक डाउन कर सकते हो इनटू सिंपलर कॉम्पोनेंट्स by simple electrochemical processes. For example, H2O, ammonia, carbon dioxide, etc. ठीक, these are the compounds. So this is the overall pure substance. अब हमने बात की थी कि अगर substance pure नहीं है, उसका melting point, boiling point fixed नहीं आ रहा है, उसके melting point, boiling point में variable है, या उसके जो particles हैं वो variable composition में mixed हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें फिर हम मिक्सचर्स कहेंगे. जैसे घर में आपने मम्मी को गरम मसाला यूज करते देखा होगा. गरम मसाला में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, सबका अपना अपना टेस्ट आता है, मतलब वो आपस में केमिकली मिक्स्ड नहीं होते. आपने नमकीन खाया होगा, सबने खाया है, ठीक. मूंगफली होती है, उसमें चिवड़ा होता है, उसमें पोहा होता है, उसमें मिक्स मतलब छोटे छोटे सेब के पार्टिकल्स होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, सबके अपने अपने टेस्ट आते हैं. मतलब वो जितने पार्टिकल्स उसमें मिले हैं उसका उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ है, वो आपस में से फिजिकली बॉन्डेड थे, उनके बीच में कोई टाइप की केमिकल रिएक्शन नहीं हुई, और उनका अपना कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं था जब उन्हें कंबाइन किया गया, तो उसे हमने क्या बोला, मिक्सचर्स. दैट इज व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस व्हिच आर नॉट केमिकली कंबाइंड. ये ध्यान रखिएगा, मिक्सचर में जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर नॉट केमिकली कंबाइंड एंड दे आर नॉट फिक्स्ड मिक्स्ड इन अ फिक्स्ड रेशियो, सो दे आर कॉल्ड एज मिक्सचर्स.
Now here comes an important question for class 9. What are the different kinds of mixtures? So I can classify these mixtures as homogeneous mixtures and heterogeneous mixture. आप एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट कीजिएगा आज घर पर जब ये समझेंगे टॉपिक तो साथ में एक काम कीजिएगा एक ग्लास लीजिएगा पानी लें पानी में नमक या शक्कर या दोनों एक साथ मिलाकर देखिएगा मिक्स होने के बाद अपना ऑब्जर्वेशन देखें जब आप शक्कर को पानी में घोल देते हैं तो क्या आपको शक्कर विजिबल होती है नहीं होगी आपको एक क्लियर ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन देखने को मिलेगा आपने नमक डाला पानी में उसको अच्छे से घोला क्या नमक दिखा नहीं लेकिन क्या नमक कहीं चला गया नहीं वो पार्टिकल्स में डिसॉल्व हो गया ये आपने मैटर में भी पढ़ा था कि वो कहीं जाता नहीं है वो उन स्पेसेस में अपने आप को ऑक्यूपाई कर लेता है लेकिन वो एक क्लियर ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन बना लेता है जिसमें कि दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपस में विजिबल नहीं होते वो एक यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन दिखता है एक सिंगल एंटिटी के फॉर्म में आपको नजर आता है तो जब ये जो मिक्सचर्स होते हैं जिनमें कोई डिफरेंट बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन नजर नहीं आए तो उन्हें हम क्या बोलेंगे होमोजीनस मिक्सचर्स इनका कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म होता है इनमें कोई डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन प्रेजेंट नहीं होते तो कॉमन एग्जाम्पल इसका सॉल्ट सोल्यूशन शुगर सोल्यूशन लेमनेड लेकिन क्या नमक का टेस्ट पानी में नहीं आता आता है शक्कर का पानी में टेस्ट नहीं आता आता है तो क्या शक्कर पानी के साथ केमिकली कंबाइन हुई नहीं हुई उसने कोई केमिकल रिएक्शन किया नहीं किया वो अपनी खुद की एंटिटी उसमें शो कर पा रहा है कि हाँ मैं नमक घुला हुआ हूं या मैं शक्कर उसमें प्रेजेंट हूं तो अगर वो केमिकली कंबाइन नहीं है तो हमने उसको क्या बोला था मिक्सचर है लेकिन अलग अलग नजर नहीं आ रहा मतलब कॉम्पोजिशन कैसा है यूनिफॉर्म है होमोजीनस है ठीक वो उसमें पूरी तरीके से घुल गया है अपने आप को अलग से शो नहीं कर पा कर रहा है इसलिए हमने उसको बोला होमोजीनस मिक्सचर तो अगर अब आपसे पूछा जाए व्हाट आर होमोजीनस मिक्सचर्स सो होमोजीनस मिक्सचर्स आर दोज इन विच वन और टू सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड टुगेदर इन अ यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन and they have no distinct boundaries of separation. Example पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? Salt solution, sugar solution, simple. ठीक, दूसरा आता है hetero. Hetero मतलब different है. अब यहाँ पर आप simple word से समझ सकते हैं कि यहाँ पर compositions कैसे होंगे? Different compositions होंगे और यहाँ पर distinct boundaries of separation नजर आएगा. There will be a visible distinct boundaries of separation. जैसे oil and water. आपने ऑयल को पानी में मिला दिया क्या ये ऑयल घुलेगा पानी में नहीं सबको पता है डेंसिटी कम होती है ऊपर फ्लोट करने लगेगा तो ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर दैट मींस ऑयल की लेयर अलग दिखी वाटर की लेयर अलग दिखी मतलब दो डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन है इसलिए हमने इसको क्या बोला हेट्रोजीनस मिक्सचर्स सो होमोजीनस मिक्सचर्स आर सॉल्यूशंस नाउ व्हाट आर हेट्रोजीनस मिक्सचर्स दे आर कोलॉइड्स कोलॉइड्स एंड Colloids would be then further classified as suspensions and emulsions. So we'll study in the next part solutions in the homogeneous topic, colloids and suspensions in heterogeneous mixtures. So here you'll be able to solve three important questions from this part: definition of pure substance, definition of mixtures, difference between homogeneous mixtures and heterogeneous mixtures. Very, very important because this comes usually in 3 marks. What is the difference between homogeneous mixture and heterogeneous mixtures? So that is all for this. Thank you so much.